गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये सब्जेक्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, एग्जाम के बाद भी, सीए बनने के बाद भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एग्जाम पास करने के लिए। सीए बनने के बाद उल्टा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अभी भी करते हैं, सीए बनने के बाद और ज्यादा करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट है, अभी ग्रुप टू में चला गया और 100 मार्क्स का टोटल है, उसमें 40 मार्क्स के लिए इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस भी है। तो इसका वेटेज कितना है अभी, 60 मार्क्स है। और सिलेबस 60 मार्क के हिसाब से सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ओके। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग होशियार स्टूडेंट हैं और आराम से हो जाएगा, चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहले नोटबुक में आपका सिलेबस क्या, जरा वो लिख लो, लिखो सिलेबस, सिलेबस, सिलेबस को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो है जिसमें सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है, और दूसरा जिसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। तो सिलेबस में पहले आप लिखना कि प्रैक्टिकल टॉपिक्स, पहले इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स लिखना। मोस्टली आपका सिलेबस प्रैक्टिकल टॉपिक्स ही है, सिर्फ दो टॉपिक्स थ्योरी टॉपिक्स हैं, बट अदरवाइज आपके बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। तो प्रैक्टिकल टॉपिक्स में पहले लिखना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैसे आईसीआई के मॉड्यूल को देखेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज अ सेपरेट चैप्टर नहीं है, ओके, एज अ सेपरेट चैप्टर नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से आपको बाकी के दूसरे चैप्टर्स को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे भी आप कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, तो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा हो, ठीक है। तो और भी एक दो चैप्टर है जहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है, फाइनेंसिंग डिसीजंस वाले चैप्टर्स हैं, तो वहां पर आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बहुत जरूरत पड़ेगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना, जो ऑलरेडी आपके मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, या तो सीपीटी या फाउंडेशन के कोर्स में मैथ्स में उसको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसमें कुछ नया नहीं, लेकिन हम उसको रिवाइज करेंगे, सिर्फ एक दिन लगेगा इसमें, एक या मैक्सिमम दो दिन। फिर दूसरा टॉपिक लिखना फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ब्रैकेट में लिखना रेशियो एनालिसिस। बहुत सारी बुक्स में रेशियो एनालिसिस करके लिखा रहता है, कुछ 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में भी अकाउंट्स में एक चैप्टर है ना, सीबीएसई की बोर्ड में है शायद रेशियो एनालिसिस, और अभी उन्होंने शायद फाउंडेशन के अकाउंट्स में भी ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, रेशियो एनालिसिस, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। तीसरा टॉपिक का नाम लिखना फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीसरा टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस में आपको बेसिकली फंड्स कहां से रेज करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स है। इसमें भी मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, लिवरेज लिखो, इसमें एक्चुअली तीन टॉपिक फॉर डिस्कशन है, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक लिखना कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस,
कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस। तो ये टॉपिक काफी बड़ा है। पहले कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे और उसके बाद रिस्क एनालिसिस, फिर फिफ्थ टॉपिक लिखना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप क्या पढ़ोगे? ए, इसको भी मैंने क्या किया है, चार पार्ट में डिवाइड किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला पार्ट जो है एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट पार्ट क्या है? एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहां पढ़ना है। अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, हम सब टॉपिक धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा लिखना डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब रिसीवेबल मैनेजमेंट। बिजनेस में जो डेटर्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। तीसरा लिखना कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट, और चौथा लिखना, फोर्थ लिखना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फोर्थ लिखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने कॉस्टिंग के सिलेबस में पढ़ लिया है, तो इसको वापस यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग में एक चैप्टर था ना, मटेरियल, मटेरियल। सो रेफर कॉस्टिंग चैप्टर मटेरियल। तो ये टॉपिक कॉमन है दो सब्जेक्ट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है और कॉस्टिंग में भी है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि ऑलरेडी वो जो मटेरियल चैप्टर है वही है, ये अलग से कुछ भी नहीं है। उसमें आपने वो फीफो लीफो सीखा है, ईओक्यू एबीसी, ठीक है, वही है ये, वो मटेरियल आपने जो पढ़ा। दो टॉपिक और लिखना, कितने हो गए, सात हो गए कि छह हो गए, पांच, दो और लिखना। ये लिखना सिक्स नंबर टॉपिक फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रैकेट में लीज एंड हायर परचेज। लीज एंड हायर परचेज, आपके अकाउंट्स में भी एक चैप्टर है हायर परचेज, वहां पर आपने उसकी अकाउंटिंग सीखी है, यहां पर उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो सीखेंगे आप। अकाउंटिंग नहीं करनी हमें यहां पे, सिर्फ कैलकुलेशंस, लीज रेंटल निकालते कैसे हैं, उसकी इनकम कितनी होती है लेसर की, ठीक है, ये सब आप यहां पे सीखेंगे। और एक लास्ट प्रैक्टिकल टॉपिक लिखना डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी अपने डिविडेंड डिसीजंस कैसे लेती है, कंपनी अपने डिविडेंड डिसीजंस कैसे लेती है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब उसके नीचे हेडिंग लिखना इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स लिख दिए। तो यहां पर आपको लिखना है तीन पॉइंट। फर्स्ट लिखना, जो कि हमारा चैप्टर वन है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी ये एक सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं है, उसका स्कोप क्या है, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरी टॉपिक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है चार पांच मार्क के लिए, ठीक है। फिर लिखना दूसरा थ्योरी टॉपिक टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम क्या पढ़ेंगे, हम कहां कहां से फंड्स रेज कर सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, ओके, ओवरड्राफ्ट। और तीसरा मैंने क्या लिखा है, थियरी फ्रॉम ऑल अदर टॉपिक्स। ऐसा जरूरी नहीं एग्जाम में कि बस ये दो चैप्टर से थियरी क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से भी एक थियरी क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है कैपिटल बजटिंग चैप्टर से भी एक थियरी क्वेश्चन पूछ लें, इज इट राइट?
तो ऐसा है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, 7 प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे हम और 2 थ्योरी टॉपिक, और प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ते पढ़ते उनकी जो थ्योरी है वो भी हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो 60 मार्क के हिसाब से सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। तो दूसरा आप लिखना एग्जाम में वेटेज कितना है, एग्जामिनेशन वेटेज 60 मार्क्स आपको वैसे तो पता है, तो बाकी 40 मार्क्स कहाँ गए? इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, यानी इकोनॉमिक्स भी है और इकोनॉमिक्स का फाइनेंस में क्या यूज है वो है, उसके बारे में चर्चा आज नहीं करेंगे। ओके, मोर वेटेज ऑन प्रैक्टिकल टॉपिक्स, यानी एग्जाम में 60 मार्क्स में से मेरे ख्याल से करीब 50 मार्क्स तक का आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हो सकते हैं आपको, इसलिए ये सब्जेक्ट को आपको एवरी डे डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो फिर मार्क्स भी अच्छे आते हैं इस सब्जेक्ट में। FM में आपको पूरे 60 में से 50 के ऊपर भी मार्क्स आ सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। अभी लिखना आपकी बुक्स में, नोटबुक में, कि हमें कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, जिन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरिट में आना है उनके लिए। फर्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 1, इंस्टीट्यूट्स पब्लिकेशन। पहले तो आप क्या करो, इंस्टीट्यूट की जो भी स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ना है आपको, इग्नोर नहीं करना है। इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या मटेरियल इशू करती है, एक उसके अंदर लिखना ए स्टडी मटेरियल, वो जो एक मॉड्यूल आता है स्टडी मटेरियल, कितने मॉड्यूल दिया उन्होंने एफएम के लिए, एक ही दिया है या 2 दिया है, ठीक। दूसरा लिखना सजेस्टेड आंसर्स। सेकंड क्या पढ़ना है आपको, सजेस्टेड आंसर्स। सजेस्टेड आंसर्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सजेस्टेड आंसर मतलब जो पास्ट एग्जाम हो चुके हैं उनके आंसर इंस्टीट्यूट रिलीज करती है एग्जाम के 1-1.5 महीने बाद, ठीक है। तो आंसर ऑफ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इसको अगर आप आंसर ऑफ पास्ट एग्जाम्स, तो आपके एग्जाम के पहले तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके सजेस्टेड आंसर पढ़ना है आपको। कहाँ पे मिलेंगे ये आपको? ICI की वेबसाइट पे मिलेंगे या उनके जो ब्रांचेज हैं उनके ब्रांच ऑफिस में भी मिलता है ये, ठीक है। वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, उनकी वेबसाइट और या उनके जो रीजनल ब्रांचेज होते हैं वहाँ उनके ऑफिस में भी मिलते हैं ये, मार्केट में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही 2 जगह है। तीसरा आपको लिखना है रिविजन टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर यानी RTP, शॉर्ट में RTP। RTP में क्या रहता है, इट्स लाइक अ मॉडल टेस्ट पेपर। ओके, मॉडल ये एग्जाम के पहले इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किए जाते हैं 3 महीना करीब पहले, ताकि स्टूडेंट थोड़ी और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन RTP से आते हैं? जरूरी नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, सारे आएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आते हैं ताकि आप और प्रैक्टिस कर सकें। कई बार आप देखेंगे कि RTP में जो क्वेश्चन है वो स्टडी मटेरियल में भी है और सजेस्टेड में भी है, तो कुछ रिपीटेशंस भी हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, नए क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस मैनुअल पब्लिश करती है, अभी शायद नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब भी करेंगी तो प्रैक्टिस मैनुअल से भी पढ़ना है। उसमें वो क्या करते हैं, टॉपिक वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक टॉपिक पे 20-25-30 क्वेश्चन देते हैं ताकि स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो ये 4 मटेरियल जो है इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है, उसमें से 4 के 4 इंपॉर्टेंट हैं। और 5वां जो आप 5th पॉइंट लिखेंगे, ये अलग से इसको पॉइंट नंबर 2 देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल फर्स्ट है उसको इम्पोर्टेंस देना है, दूसरा हमारी क्लास नोट्स को देना है जो कि काफी डिटेल में प्रिपेयर किया गया है कॉम्प्रिहेंसिवली,
उसमें हमने कोशिश की है कि ये सब कवर हो जाए, और बाहर की जो बुक्स होती हैं अच्छी बुक्स, रेफरेंस बुक्स, उसके भी क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ठीक है, और तीसरा लिखना यहां पे अदर रेफरेंस बुक्स। मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक खान एंड जैन है, देन रुस्तगी है, तो अगर आपको और भी पढ़ना हो तो मार्केट में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल है जिसको आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक एक रवि किशोर भी है, ये ऑथर्स के नाम है। आपको नॉर्मली या तो इंटरनेट पे मिल जाएगी या फिर आपको शॉप्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इन ऑथर्स के नाम के हिसाब सर्च करने से मिल जाता है आपको। तो ये सब आपको बुक्स जो है पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो कम से कम ये जो पॉइंट वन और पॉइंट टू में मैंने लिखा है ये पढ़ लेना आप। ठीक है, और टाइम हो, सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, सेकंड ग्रुप दे रहे हो, या फिर आपके पास बहुत घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो आप थोड़ा रेफरेंस बुक्स भी पढ़ सकते हो। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट अभी लिखना, स्टडी अप्रोच, कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। बुक्स तो आप परचेस कर लोगे, बहुत ही आसान काम है, लेकिन मेन जो टास्क है कि हमें पढ़ना कैसे है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकें, मेरिट में आ सकें। तो फर्स्ट लिखना है आपको कि अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, रोज क्लास आना है। ओके, और जो स्टूडेंट्स इसको वर्चुअल में देख रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, रोज पढ़ना है आपको कम से कम 2 घंटे। ओके, उसके बाद आपको लिखना है वही अटेंशन इन द क्लास एंड आस्क क्वेरीज। फिर आप पूछेंगे कि मैं क्वेरी कहाँ पूछ सकता हूँ। एक तो जो बच्चे अभी लाइव क्लासेस कर रहे हैं स्टूडेंट, वो आप क्लास में पूछ सकते हो, या फिर मेरा ईमेल आईडी लिख लेना, उसमें भी आप क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। या फिर इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है कि नहीं, एसएमएस कर सकते हैं, या ऑफिस के नंबर पे फोन कर सकते हैं। कोशिश करना कि मेल कर देने के लिए डायरेक्टली मुझ तक पहुंच जाएगा। जब आप क्वेरी पूछेंगे तो क्या करना, पहले चैप्टर का नंबर लिख देना जो मैं आपको चैप्टर नंबर दूंगा, उसके बाद पेज नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना अगर क्वेश्चन हो तो मुझे क्वेरी को आंसर देने में बहुत इजी हो जाता है। ओके, और आपका नाम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, और आपका मोबाइल नंबर लिखना, क्योंकि कुछ क्वेरीज कभी कभी बच्चे ऐसी पूछते हैं कि एक दो लाइन में उसका आंसर लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फोन करके उसकी क्वेरी का जवाब दे देते हैं। ठीक है, बहुत अगर एक्सप्लेन करना हो, कभी कभी 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो उसको हम लोग कॉल कर देते हैं वापस। तो इस तरह से हम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट लिखना पे अटेंशन इन द क्लास एंड आस्क क्वेरीज। तीसरा क्या लिखना है, डू द होमवर्क रेगुलरली। होमवर्क वैसे भी बहुत कम हो गए हैं, कोशिश करते हैं कि हम सारा कुछ क्लास में ही कवर कर लें, इज इट राइट। एंड पॉइंट नंबर फोर लिखना, प्रैक्टिस फ्रॉम स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड अदर रेफरेंस बुक्स। हम क्लास में वैसे बहुत कुछ कवर कर लेंगे, डोंट वरी, लेकिन क्लास में सिर्फ दिक्कत यह है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, ठीक है। इसलिए हो सके तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना स्टडी मटेरियल से, ऐसे क्वेश्चन जो हमने कवर नहीं किए हैं मोस्टली कवर कर लेंगे, कुछ रह जाएंगे तो प्रैक्टिस कर लेना। एकदम जो सेम टू सेम क्वेश्चन हो, बहुत ईजी हो, वो हम क्लास में नहीं लेते, लेकिन जितने डिफिकल्ट वाले हैं वो सब हम कवर कर लेंगे। फिर लिखना उसमें पांचवा पॉइंट लिखना, सॉल्व ईच प्रॉब्लम एज इफ यू आर राइटिंग इन द एग्जाम। सॉल्व ईच प्रॉब्लम एज इफ यू आर राइटिंग इन द एग्जाम। सीए की एग्जाम और बाकी एग्जाम में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट चेक करते हैं कि स्टूडेंट ने आंसर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली प्रेजेंट किया है कि नहीं। तो जब आप प्रैक्टिस भी करते हो तो आप ये समझ के चलो, मेंटली ऐसा सोचो कि मैं एग्जाम में अगर लिख रहा होता तो कैसे लिखता। जनरली घर पे लोग प्रैक्टिस करते समय बस ऐसे कुछ कुछ नंबर यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ लिख देते हैं, प्रॉपरली अरेंज नहीं करते, फिर एग्जाम में भी वो हैबिट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है तो मार्क्स कम आते हैं। सी एग्जाम का रिजल्ट इतना कम क्यों आता है, क्योंकि ये पॉइंट हम भूल जाते हैं घर पे प्रैक्टिस करते समय कि हमें इस ढंग से प्रैक्टिस करनी है डिटेल में कि हम उसको एग्जाम में भी लिख सके अच्छे से। एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन की वजह से मार्क्स बहुत कट जाते हैं। कई बार सही आंसर लिखने पे भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं एरर हो गया, आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया है, कैलकुलेशन को प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक से नोट नहीं लिखे हैं, तो वहां पे कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं। और एक पॉइंट लिखना, मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सिलेबस बहुत ज्यादा है और हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करने बैठेंगे तो आप सोचेंगे अरे इतना क्वेश्चन है मैं कैसे कर पाऊंगा, तो अभी से उसको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर देना है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को एडजस्टमेंट्स को अंडरलाइन कर देना है। और एक आखिरी बात लिख लो, रिवाइज अगेन आफ्टर सम टाइम। ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। सभी सब्जेक्ट के लिए जो मैंने 7 पॉइंट लिखवाए एप्लीकेबल है रिवाइज। न तो क्या होगा फिर आपकी एग्जाम 6 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल के, इसलिए मैंने आपको नोटबुक में लिखवा दिया, मैं चाहता तो बोल के निकल लेता यहां से, लेकिन अब आपकी नोटबुक में लिखवा दिया तो आपको याद रहेगा कि हमें ये 7 स्टेप फॉलो करने हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर ये मेरा बेसिक एक जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था वो पार्ट खत्म हो गया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो अभी चैप्टर नंबर 1 पर आ जाओ। चैप्टर 1 नाम क्या है इसका, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप यानी हमें क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या इसमें कवर्ड है पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो हम एज ए स्टूडेंट क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉस्टिंग पढ़ा होगा आपने, अब तक तो पढ़ लिया होगा, क्या ऑब्जेक्टिव था बताओ।
टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। बेसिकली कॉस्ट क्यों निकालते हैं? टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। न तो माल बेचोगे कैसे, मुझे क्या बोलते हैं इसको माउस कितने में बेचना है, 100 में या 500 में, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसकी कॉस्ट निकालते हैं ना, वो कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, कुछ तो उसका कारण होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे आप आ जाना, आपको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, अभी आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस मैं एक्स्ट्रा आपको डिक्टेट करवाऊंगा, उस समय आप उसको वहां पे लिखना, अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। तो पहला जो सवाल मेरे मन में आ रहा है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चलिए एक एक करके पूछते हैं क्लास में, आप बताएंगे। एक स्टूडेंट इधर बैठे मेरे राइट साइड में, हाउ टू मैनेज द फंड्स, उनका कहना हाउ टू मैनेज द फंड्स। ओके, और कोई बोलना चाहते हैं? सेम आंसर, हाउ टू मैनेज द फंड्स, सेम आंसर, कोई अलग नहीं, सबके जवाब एक जैसे ही हैं। कुछ नया बताओ, हाउ टू मैनेज द फंड्स सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाउ टू रेज द फंड्स, पहले रेज करोगे तभी तो मैनेज करोगे, तो हाउ टू रेज द फंड्स, हाउ टू मैनेज द फंड्स। ओके, हाउ टू यूज द फंड्स एफिशिएंटली फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता है बगैर फाइनेंस के बिजनेस चल नहीं सकता, चल सकता है, हर चीज के लिए फंड्स लगते हैं ना, मटेरियल के लिए फंड्स लगेगा, वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स लगेंगे, लेबर्स को क्रेडिटर्स को पे करने के लिए फंड्स लगेगा, मशीन्स परचेस करने के लिए फंड्स लगेगा, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है आपको। ठीक है, और फंड्स के सोर्सेस अलग अलग हैं, तो कहां से फंड्स रेज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। फंड्स से जब हम सोर्स किसी सोर्स से फंड्स रेज करते हैं तो उसके साथ क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें मिलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपने मान लो डिबेंचर और लोन ले लिया, रिस्क भी है, कल को रिपे नहीं कर पाए तो हमारे एसेट्स बिक सकते हैं, इज इट राइट। इक्विटी अगर आपने इशू कर दिया तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी पड़ती है, जितना इक्विटी आप इशू करेंगे उतना प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट आप शेयर कर रहे हैं, मेहनत करेंगे आप, इंजॉय करेगा इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है कि फंड्स कहां से रेज करना। इसलिए मैंने पहले सेंटेंस में लिख दिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन द बिजनेस। तो ये जो दो वर्ड है, दो टर्म यहां यूज किए, वो इस आपके सिलेबस का पूरा बेस है, यानी आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर डिजाइन किए गए हैं वो इन दो बातों पे आधारित है कि फंड्स कहां से हम रेज करेंगे और फंड्स को एफिशिएंटली कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फंड्स आप कहां से रेज करोगे, सपोज आप एक लिमिटेड कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप नहीं, लिमिटेड कंपनी, तो फंड्स आप कहां कहां से रेज कर सकते हो, जरा मुझे 5 एग्जांपल दो तो मैं समझूंगा कि हाँ स्टूडेंट्स होशियार है। बैंक, बैंक वेरी गुड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक स्टूडेंट का कहना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड, शेयर, यहां पर भी आप बोल सकते हैं दो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, चलो 5 बोलना है, 4 हो गए, एक और बोल दो, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका एक पूरा सिलेबस में एक टॉपिक ही है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ
फाइनेंसिंग, वहां पर हमें करीब 30 से 40 टाइप के सोर्सेस को डिस्कस करना है, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन द बिजनेस। तो प्रोक्योरमेंट हो गया कि हमें कहां से फंड्स रेज करना है। दूसरा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन द बिजनेस। फंड्स रेज करना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है। क्योंकि जब आप फंड्स रेज करते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है, फंड्स रेज करते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है। कोई भी फंड्स आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट होती है। जैसे लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर इश्यू किया तो इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो डिविडेंड पे करना, इक्विटी शेयर इशू किया तो डिविडेंड पे करना है, तो कॉस्ट होती है ना उसकी। और जब हम फंड्स यूज करते हैं तो हमें इनकम होती है, जिसको हम इस सब्जेक्ट में बोलते हैं रिटर्न, यानी इनकम। सिंपल टर्म्स में इनकम है बट टेक्निकल वर्ड्स में रिटर्न, कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला। अब हमें क्या करना है, ये जो रिटर्न है इट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, मैथमेटिक्स। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल थंब रूल आप बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल। रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। तो अगर आपने 10% में फंड्स रेज किया है तो उस फंड्स को इस तरह से यूज करना है बिजनेस में, इसलिए हमने वर्ड यूज किया इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि हमारा रिटर्न कम से कम कितना हो, कम से कम 10%। उससे ज्यादा हुआ तो फिर अच्छी बात है, फिर जो सरप्लस जनरेट होगा वो ओनर को मिलेगा। मान लो आपने 100 रुपया फंड्स रेज किया, 10 रुपए कमाए उससे, लेकिन वो 10 का 10 चला गया इंटरेस्ट पेमेंट में, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन चलो ठीक है, जेब से कुछ गया भी नहीं। लेकिन अगर आप 12 रुपीज कमाते हैं तो 10 पे करने के बाद 2 रुपए आपको बचेगा, इज इट राइट। तो बिजनेस में ये ध्यान रखना है कि फंड्स आप रेज तभी करो जब आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। आप सीए कर रहे हैं ना, उसकी एक कॉस्ट है लेकिन रिटर्न भी है आगे चल के, और ये सबको पता है कि रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तभी कर रहे हैं सीए कोर्स। और रिटर्न नहीं रहता तो क्यों करते हम, इज इट राइट। जो भी कॉस्ट अभी आपका लग रहा है एक बार लग जाएगा, लेकिन सीए बनने के 2 साल के अंदर सारा कॉस्ट आपका रिकवर हो जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद सरप्लस ही सरप्लस, आनंद ही आनंद। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो है ये कमर्शियल सब्जेक्ट है, लीगल सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना। कमर्शियल सब्जेक्ट में हमें डेफिनेशन की कोई पाबंदी नहीं होती है कि भाई यही डेफिनेशन है। कोई कंपनीज एक्ट नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं, कि एक ही डेफिनेशन होगा। अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से ऑथर्स सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे ऑथर का कहना है, नीचे लिखा हुआ देखना कहीं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बात ये भी वही कर रहा है जो पहले लिखा हुआ है, लेकिन इनका कहने का सिर्फ जो अंदाज है, अंदाज अपना अपना, अंदाज अलग है। अब इसमें जरा देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किया इन्होंने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी, तो अब इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, अंडरलाइन करो, मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजरियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल एक्टिविटी। तो अब आप पूछो कि मैनेजरियल एक्टिविटी क्या होती है, मैनेजरियल एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग। लिखना आसपास, कंटिन्यूसली अलर्ट रहना है, हमें
चीजों को सिंप्लीफाई करनी है ताकि बाद में आपको याद रहे। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। फिर से मैं वही पूछूंगा कि डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक अ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, टू मेक अ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में ऐसे अनेक सिचुएशन आते हैं कि आपको चॉइस करना पड़ता है। अभी हमने एग्जांपल लिया, आपको फंड्स रेज करना है तो आपके पास चॉइस है, इक्विटी इशू करूं या डिबेंचर इशू करूं, ठीक है, चॉइस हुआ ना। थोड़ी देर पहले हमने सिलेबस देखा था तो वहां पर आपने हायर परचेज एंड लीज देखा। तो हम अगर किसी एसेट को अक्वायर करना है तो हम बाय भी कर सकते हैं, यानी पूरा पैसा दो एसेट प्राप्त करो, और दूसरा आप उसको लीज पे भी ले सकते हैं, क्यों अपना पैसा लगाने का, रेंट पे ले लो, है कि नहीं? ये भी तो डिसीजन हुआ। कॉस्टिंग में आपने पढ़ा 100 क्वांटिटी का ऑर्डर करूं या 500 क्वांटिटी का ऑर्डर करूं, कौन सा ऑर्डर साइज ऑर्डर करूं कि मुझे कॉस्ट घट जाए, तो क्या था वो? डिसीजन मेकिंग, मैनेजरल एक्टिविटी। सीए आपको मैनेजर बनाता, सीए का कोर्स जो है आपको मैनेजर बनाता है, क्योंकि आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस में समय समय पे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल एक्टिविटी, लेकिन मैनेजरल एक्टिविटी तो बहुत सारी हो सकती है, प्रोडक्शन इज ऑल्सो मैनेजरल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरल एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मार्केटिंग भी मैनेजरल एक्टिविटी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी मैनेजरल एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन वो अलग है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये जो दो वर्ड उन्होंने यूज किया इसको अंडरलाइन करना है अभी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब है, आप बता सकते हैं प्लानिंग का मतलब? टू डिसाइड इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब आप पढ़ेंगे टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी एक्टिविटी करने के पहले का इवेंट है या करने के बाद का इवेंट है? पहले का, इज कॉल्ड प्लानिंग। इंडिया में लोग प्लान बनाने में बहुत होशियार हैं, है कि नहीं? हम स्टूडेंट भी प्लान बनाते हैं कि हम इस बार 12 आवर्स पढ़ेंगे, रोज सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, और बाद में इम्प्लीमेंटेशन ये 2 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, या कभी कभी तो ये 10 तक भी चला जाता है, है कि नहीं? तो प्लानिंग करना मतलब पहले से डिसाइड करना कि हम ये करेंगे, और कंट्रोल का मतलब है कि जो हमने प्लान किया वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। तो पहले उसको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके लिए भी फिर हम सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं, और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि जो हमने प्लान किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो फाइनेंस में हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है कि हमारा नेट प्रॉफिट इस साल 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, ये प्लान था, और एक्चुअल मान लो 12 करोड़ है, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारी प्लानिंग हो सकती है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% होनी चाहिए, और एक्चुअल हम देखेंगे कितना है, मान लो 13 हो गया, तो मैनेजमेंट फिर बैठ के सोचेगी कि अरे 2% हमें कम क्यों हुआ, मे बी आपका शायद प्लानिंग ओवर एस्टिमेटेड था, ओवर एम्बिशियस था, या हो सकता आपका कॉस्ट बढ़ गया इस साल, हो सकता आपकी रेवेन्यू घट गई हो, है कि नहीं? तो जानना जरूरी है ना, तो फिर मैं अगले साल की प्लानिंग कैसे करूंगा अगर मुझे पता नहीं कि हम कहां गलत जा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट भी कभी कभी मान लो पास नहीं हुआ एक अटेम्प्ट में, तो फिर वो सोचता है कि मैंने कहां गलती की,
अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। बिजनेस में भी वही है, अगर आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ जैसे आप चाहते हैं तो अगली बार आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो दूसरा डेफिनेशन एक बार वापस पढ़ लेते हैं, इज द मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसको अंडरलाइन करना है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, तो फर्म की जो फंड्स होते हैं उसको हमको ठीक से मैनेज करना है, जिसका आउटपुट क्या होना चाहिए, फिर से वही लिखूंगा, रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट मैनेजमेंट। एक और डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसी आपको लिखना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप, मीनिंग शुड बी द सेम, इंटरप्रिटेशन शुड बी द सेम, लेकिन वर्ड्स आपके हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेस द फोरकास्टिंग, सारे वर्ड्स अंडरलाइन करना है, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले मैं पूरा पढ़ लूं फिर एक एक वर्ड पे हम चर्चा करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन अंडरटेकिंग कीपिंग विथ इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। एक एक करके पढ़ते हैं, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सब्जेक्ट, फिर मजा आने लगेगा। इट कंप्राइजेज द फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मीन्स टू प्रिडिक्ट इन एडवांस। आप चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो अगर वहां जगह कम पड़ रही हो तो, प्रिडिक्टिंग इन एडवांस। अब आप बिजनेस में क्या फोरकास्ट कर सकते हो, दो तीन एग्जांपल दो, बिजनेस में हम क्या फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस साल हमारा सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ठीक है, लेबर कॉस्ट कितना होगा, मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, ये सब फोरकास्टिंग ही है। ओके, जो आपके कॉस्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने बजटिंग करके, आई थिंक अगर कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं अब तक तो उसमें एक टॉपिक जो बजटिंग है वही है फोरकास्टिंग। पहले से ही आप पूरा एस्टिमेट करके रख रहे हैं, फिर आप पूछो कि हम पहले से क्यों फोरकास्टिंग करते हैं, टू प्लान। अगर मेरा सेल्स 10 लाख रुपए होने वाला है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा इसके लिए मुझे मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा, 5 लाख, तो 5 लाख रुपए मैं कहां से रेज करूंगा, बैंक से। तो फोरकास्टिंग करने के बाद हम फिर रिसोर्सेस की प्लानिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आप ट्यूशन, आपको ट्यूशन फीस आपकी 1 लाख रुपए CA कोर्स की मान लो एग्जाम्पल, तो ये आपका फोरकास्टिंग हो गया। अब इस 1 लाख रुपए को आपको रेज भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये बात अच्छी है कि आपके पेरेंट्स आपको दे देते हैं तो ज्यादा नहीं प्रोडक्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिनको प्लानिंग करनी पड़ सकती है, थोड़ा रिलेटिव से, थोड़ा बैंक से, थोड़ी अपनी पास्ट सेविंग से, है कि नहीं। बिजनेस का काम भी वही है, प्लानिंग करना कि फंड्स कैसे रेज करना है। उसके बाद बिजनेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, और एक और तीन इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेटिंग। पहले देख लेना, ये सारे टर्म्स आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी पढ़ते होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करके 12th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट था ना, उसी बोलते हैं क्या उसको, उसी हम, हाँ उसमें ये सब टर्म्स आ चुके हैं। ऑर्गेनाइजिंग यानी सबको सबके काम अलोकेट करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। बिजनेस जो आप देखेंगे इतने बड़े बड़े होते हैं उसमें हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, तो सबको उनके काम को अलोकेट करना, बिजनेस को अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करना, ठीक है, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। एक व्यक्ति जो है वो ऑर्डर लेता है सिर्फ सेल्स का ऑर्डर, एक उसको डिस्पैच करता है, एक उसकी अकाउंटिंग करता है, फिर एक कलेक्ट करता है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का काम है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, ऑर्गेनाइजिंग का
काम भी बड़ा होता जाता है। ठीक है, सिर्फ बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो मैं बोलूंगा ये लो मेरा मोबाइल, आओ ले लो 5 रुपए में, आप आए ले गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे 5 रुपए रिकवर भी होना चाहिए, समय पे भी होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एंड तक पूरा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, इज इट राइट? प्रोडक्ट को बनाना, बेचना, पैसे कलेक्ट करना, उसकी अकाउंटिंग करना, इस ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? जरा बताओ, आपने ओसीएम पढ़ा है? कुछ लोगों ने कहा कि हमने ओसीएम पढ़ा है, तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? टू इंस्ट्रक्ट ईच इंडिविजुअल, ईच लेट अस से इंडिविजुअल, द टास्क ही हैज टू परफॉर्म। मैं बहुत ही सिंपल लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में बाद में दिक्कत ना हो। डायरेक्शन, जैसे मूवी की डायरेक्शन आपने सुनी होगी, एक डायरेक्टर रहता है और एक्टर्स रहते हैं। तो डायरेक्टर क्या करता है, सभी को बोलता है कि देखो ये सीन है, अब तुम्हें ये करना है। कंपनीज क्या करती है, इम्प्लॉय को जब हायर करती है तो बोलती है तुम अकाउंटेंट हो, तुम्हारा ये काम है, तुम प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, तुम्हारा ये काम है, तुम सेल्स में हो, तुम्हारा काम सिर्फ सेल करना है। तो हम हर एक इंडिविजुअल को जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनको उनके हिसाब से काम दे देते हैं। फाइनेंस में भी बहुत काम होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है। कभी समय मिले तो किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर देखो कितने सारे लोग काम करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे अभी आने वाले मिनट में। तो सबको, सबके काम को हम अलोकेट करते हैं। बैंक में जाना, कम से कम बैंक तो गए होंगे आपने, कितने लोग काम करते हैं? एक आदमी जो है वो आपसे कैश लेता है, एक आदमी आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देता है, कहीं कोई और आदमी उसकी एंट्री कर रहा होता है, इज इट राइट? एक लोन डिपार्टमेंट है, वो लोन वाले वो सिर्फ हैंडल करता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड को हैंडल कर रहा है वहां पे, क्योंकि उनको उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लोन वाला आदमी कैश काउंटर में आके नहीं बैठ जाता है। मेरे अनुभव से जो मैंने आज तक देखा, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कोऑर्डिनेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, एक्टिविटीज बढ़ जाती है, फिर उन सबको क्या करना है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्टिविटीज को हम सिक्वेंसिंग करते हैं, एक्टिविटीज को हम सिक्वेंसिंग। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में हमारी कोऑर्डिनेशन क्या होगी, पहले एक प्रोडक्शन मैनेजर कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेट करता है, फिर परचेज डिपार्टमेंट को वो एक रिक्विजिशन भेजता है कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए, फिर परचेज डिपार्टमेंट उसको परचेज करता है, फिर स्टोर मैनेजर उसको स्टोर करता है, फिर वहां से वो फैक्ट्री में भेजता है, फिर हम उसको बेचते हैं, फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं, पैसे जमा करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, है कि नहीं? कोऑर्डिनेशन हुआ ना। तो ये पूरा काम आपको इस ढंग से ऑर्गेनाइज करना है कि काम स्मूथली हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो। ये काम किसका है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है। इनकी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम होते हैं। बैंक से आप लोन लेने जाएंगे तो पहले एक आदमी आएगा, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देके जाएगा, फिर उसको आप सबमिट करेंगे, वो दूसरे के पास जाता है, वो पढ़ता है उसमें क्या भरा है आपने, सही भरा है कि नहीं। फिर तीसरा आदमी आपकी आके घर पे या ऑफिस में आपसे इंटरव्यू लेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, 10-20 सवाल पूछेगा, फिर वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट अप्रेजल। वो चेक करता है कि इसको क्रेडिट देना है या नहीं देना है, फिर वो क्रेडिट डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वो आपको एक्चुअली चेक इशू करते हैं, फिर एक रिकवरी डिपार्टमेंट है, अगर आपने समय समय पे पेमेंट नहीं किया तो रिकवरी डिपार्टमेंट वाला आपके घर पे आके बैठ जाता है। ठीक है, ये भी एक टास्क है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि बिजनेस क्या है उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन होती है। कभी आपने
अमेजन या फ्लिपकार्ट या ऐसी किसी साइट पे कुछ परचेज किया है? नहीं किया, कुछ भी आज तक नहीं किया। क्या किया है? प्रोडक्ट परचेज किया। चलो क्या किया, उसमें इंटरेस्ट नहीं, परचेज किया है। तो आपने देखा उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? पहले आप साइट पर ऑर्डर देते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर जो सेलर होता है उसके पास चला जाता है, फिर वो सेलर उसको पैक करता है, एक कूरियर कंपनी वहां से कलेक्ट करता है, फिर आपको डिलीवर करता है, आप उसको पैसे देते हैं, फिर वो पैसे उधर जाके जमा करता है। ये क्या था? ये कोऑर्डिनेशन था। अच्छा है, इसलिए आप परचेस करते हैं बार बार। कभी ऐसा होगा कि आपने ऑर्डर दिया, गुड्स आया ही नहीं, 15-20 महीना महीना भर हो गया, दोबारा लेंगे आप? नहीं। कंपनी के एंगल से उन्होंने गुड्स भेजा, पैसे ही नहीं मिले, तो कोई मतलब है? नहीं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी और उसका एग्जीक्यूशन भी। और लास्ट पॉइंट मैंने कंट्रोलिंग आपको बता दिया है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू इंश्योर दैट द प्लान इज पुट इन टू एक्शन। प्लान इज पुट इन टू एक्शन। कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू कंपेयर बजट्स एंड एक्चुअल, बजट एंड एक्चुअल, टू कंपेयर बजट एंड एक्चुअल। और एक लिखना टू टेक करेक्टिव एक्शन, टू टेक करेक्टिव एक्शन। टू टेक करेक्टिव एक्शन का मतलब है कि अगर आपका एक्चुअल बजट से कम है या ज्यादा, डिपेंडिंग कि आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। सेल्स अगर कम है तो खराब बात है, ठीक है। कॉस्ट अगर ज्यादा है तो खराब बात है। तो टू टेक करेक्टिव एक्शन मतलब क्या कमी रह गई हमारे परफॉर्मेंस में, उसको सुधार करना है, ठीक है। टू टेक करेक्टिव एक्शन इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शन फाइनेंस के हैं। आप बोलेंगे ये तो हमने जनरल फंक्शन पढ़ा है। जनरल फंक्शन भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी ये फंक्शन है। एक बार वापस जरा ये 5-6 पॉइंट बताना। फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टार्ट होता है फोरकास्टिंग से और एंड हो रहा है कंट्रोलिंग। लिखते समय भी ध्यान रखना, ठीक है। फोरकास्टिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक जाना है आपको सीक्वेंस में। ये भी एक कोऑर्डिनेशन ही लिखने का। ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्विजिशन मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन मीन्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन कीपिंग विथ इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं? कुछ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मैक्सिमाइजेशन। तो जो भी आप डिसीजन लोगे उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होना चाहिए कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होनी चाहिए। सीए स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू पास द एग्जाम विद गुड नंबर्स, यस और नो? तो आप क्या करते हैं, आप वही डिसीजन लेते हैं ना जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट आए, आपका रिजल्ट अच्छा आए। आप बुक्स वही पढ़ेंगे जिसको लगता है इसको पढ़कर मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टीचर वैसे सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको लगता है कि मुझे ज्यादा नॉलेज मिलेगा, जो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्लास में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस करवाएंगे तो फिर मुझे फायदा होता है। तो बिजनेस का भी वही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मार्क्स लाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना है। अल्टीमेटली व्हाई वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एनीबॉडी, टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ जिसका हेडिंग था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आ गया? अब हम दूसरे पैराग्राफ पे जाएंगे जो पहले पैराग्राफ को वापस डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव
यूटिलाइजेशन, करेक्ट। अब हम प्रोक्योरमेंट वर्ड पे थोड़ा सा और जरा फोकस करते हैं, प्रोक्योरमेंट वर्ड पे। प्रोक्योरमेंट वर्ड का मतलब होता है टू रेज द फंड्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब होता है टू यूज द फंड्स इन सच अ मैनर दैट रिटर्न्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मीन्स फंड्स कहां से रेज किया जाए। चलिए पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप फंड्स कहां से रेज करते हैं? आप इंडिविजुअल हैं, बोलो ना। तो इंडिविजुअल्स फंड्स कहां से रेज करता है? बैंक से, ओके, बैंक से रेज कर सकता है। और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ओके, वैसे कोई देगा नहीं बट फिर भी लिख देते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, कुछ कुछ रिलेटिव ठीक है। अभी हमारा बच्चा सीए बना है, उसको थोड़ा सा पैसे दे देते हैं ताकि अपने ऑफिस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी दे सकते हैं आपको, और मनी लेंडर, अरे आपको पता होना चाहिए ना किसके पास जाना है। कल को सीए बनेंगे और ऑफिस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगेंगे ना आपको, 10-20 लाख रुपए लगेंगे आपको, 50 लाख लगेगा, कहां से लाओगे पैसा? तो मनी लेंडर्स भी होते हैं, ओके। आपने स्टार्ट में एनबीएफसी भी कहा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक जो होते हैं वो शेड्यूल ऑफ आरबीआई में आते हैं, जिनको आरबीआई ने बैंकिंग का लाइसेंस दिया हुआ है। एनबीएफसी वाले बैंक की तरह ही होते हैं लेकिन एग्जैक्टली बैंक नहीं होते, बट फंड्स आपको लोन पे देते हैं, ठीक है। जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, ये सब आपको फंड देते हैं, ठीक है। उनके पास भी आप जा सकते हो, इंडिविजुअल्स उनके पास भी जा सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट्स किसके पास जा सकते हैं? कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, कंपनी के फ्रेंड और रिलेटिव तो नहीं होते हैं, तो कंपनी फंड्स शेयर्स के द्वारा रेज कर सकती है। शेयर्स में भी इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं। प्रेफरेंस शेयर की भी फिर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल एटसेट्रा, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, डिबेंचर या बॉन्ड्स। फिर आप बैंक के पास जा सकते हो, फिर बैंक के पास भी बहुत टाइप के लोन्स होते हैं। एक होता है टर्म लोन जो एक फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है, एक होता है टेम्पररी पीरियड के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी में, उनके लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं, ठीक है। कुछ बैंक बिल डिस्काउंटिंग करते हैं, जो आपने पढ़ा होगा बिल डिस्काउंटिंग वाला चैप्टर, वो भी एक तरह से बैंक फाइनेंस ही है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज हैं बैंक। उसके बाद कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकती है, फिक्स डिपॉजिट या पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम पब्लिक। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने। कुछ और होशियार कंपनी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिका में या यूरोप में यूज कर इशू करती है, ठीक है। अमेरिका में इशू किया तो क्या कहेंगे? अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट। और अमेरिका के बाहर अगर किसी दूसरी कंट्री में किया आपने तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो ये भी करती है। कुछ लोग फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन कंट्री में जाके फंड्स रेज करते हैं। तो ये मैंने अभी कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये एक अपने आप में एक टॉपिक है पूरा, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। उस समय हम और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपकी बुक से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है वो एक्सप्लेन करता हूँ।
पैराग्राफ्स है वो एक्सप्लेन करता हूँ. फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, टर्म लोन. फंड्स रेज करने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है. फॉर एग्जांपल, रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल. जिस भी सोर्स से फंड्स रेज करेंगे उसका रिस्क एनालिसिस करना है आपको, कॉस्ट एनालिसिस करना है और कंट्रोल एनालिसिस करना है. रिस्क का मतलब है कि कंपनी के लिए क्या रिस्क हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं आपसे टर्म लोन और इक्विटी शेयर में रिस्क कहां ज्यादा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना आपको. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जवाब देना कि अगर मान लो आपने कंपनी स्टार्ट की और आपने 500 करोड़ रुपीस टर्म लोन इशू किया है, 200 करोड़ रुपीस इक्विटी इशू किया है, तो आपको रिस्क ज्यादा कहां है? रिस्क ज्यादा कहां है? टर्म लोन में है. यहां पे रिस्क ज्यादा है कि नहीं? क्यों? रिपे नहीं कर पाए तो. इक्विटी को बाद में भी किया तो चलता, बहुत ही सही जवाब. लेकिन डेट को पहले पे करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है. कल को अगर आपके पास इनकम नहीं हुई, कैश नहीं हुआ, तो बैंक वाले क्या करेंगे? आपको माफ कर देंगे? नहीं ना, एसेट्स बेच देंगे, लिक्विडेट कर देंगे. आपके अकाउंट्स में एक चैप्टर भी लिक्विडेशन, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लोन बहुत ज्यादा होने की वजह से कंपनी लिक्विडेट हो गई. तो रिस्क है. इक्विटी में रिस्क बहुत कम होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इक्विटी को आपने डिविडेंड नहीं भी पे किया किसी साल तो चलता है, रिपे करने की तो कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, है कि नहीं? रिपे करने की ऑब्लिगेशन होती है? नहीं. अब हम जरा कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वही क्वेश्चन पूछें कि टर्म लोन और इक्विटी में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा कॉस्टली है. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी ज्यादा कॉस्टली है. क्यों बताओ? क्योंकि आपको यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग करनी होती है. इज इट राइट? 100 रुपया अगर आपने अर्न किया और आपका 40% आपने इक्विटी से पैसा रेस किया है, तो 100 रुपए का 40% 40 रुपीज आपको पे करना पड़ता है कंपलसरी. मतलब अगर इस साल नहीं पे करेंगे तो किसी और साल पे करेंगे, बाद में तो करेंगे, लेकिन वो 40% का हकदार तो कोई और हो गया ना. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. वो पैसा अब आपका नहीं है, वो दूसरे का है. जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो 40% आउटसाइड शेयर होल्डर को जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन टर्म लोन को आप कितना इंटरेस्ट पे करते हो? 10%. 10 ही जाएगा. 100 रुपए आपने कमाया तो 10 रुपए इंटरेस्ट जाएगा, 10%. लेकिन यहां आपको शेयरिंग करनी होती है. जितनी आपकी प्रॉफिट ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी होगी. इज इट राइट? इसलिए इक्विटी बहुत कॉस्टली होता है, खासकर जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है वहां इक्विटी बहुत कॉस्टली होता है. और अगर आप लॉस मेकिंग है तो कोई आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा नहीं. करेंगे आप भी किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी शेयर में? जो कंपनी प्रॉफिट देती हो. और कितना देती हो? कम से कम इंटरेस्ट से ज्यादा देती हो ना, तो आप सोचेंगे फिर इंटरेस्ट ही ठीक है भाई. अगर मुझे इक्विटी में भी 10 मिल रहा है और बैंक के एफडी में भी 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगा ना फिर. तो इसलिए कंपनी को अगर इक्विटी से पैसा रेस करना है तो इन्वेस्टर को 10 से ज्यादा वो अगर डिविडेंड दे तो वो उसमें इंटरेस्टेड रहेगा. इसलिए इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा है. और कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर शेयर करना. कंट्रोल का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर शेयर करना. अब वापस मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, अगर आपको टर्म लोन और इक्विटी में चूज करना हो कि मेरा कंट्रोल कम से कम डाइल्यूट हो,
तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे, लोन लेंगे या इक्विटी इशू करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होता है, पढ़ा आपने, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा आपने। तो वोटिंग पावर अगर किसी और को देना मतलब क्या हुआ, कंट्रोल देना उसको, क्योंकि जब भी डिसीजन मेकिंग होगी तो वोट होगा। तो वोटिंग करते समय कौन बैठेगा वहां पे, इक्विटी शेयर होल्डर बैठेगा कि टर्म लोन टर्म लेंडर बैठेगा? इक्विटी शेयर। तो यहां पे डायल्यूट होता है और यहां पे डायल्यूट नहीं होता है, एकदम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, डायल्यूशन, नो डायल्यूशन, डायल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, अभी आएगा वापस ये। अब मैनेजमेंट कंफ्यूजन की स्थिति में है, बताओ, रिस्क देखूं तो इक्विटी अच्छा, रिस्क देखूं तो इक्विटी अच्छा, कॉस्ट और कंट्रोल देखूं तो टर्म लोन अच्छा है कि नहीं? इसलिए तो डिसीजन मेकिंग है, यहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती है कि आप क्या यूज करेंगे। जिनको रिस्क लेना पसंद हो वो टर्म लोन या डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इक्विटी इशू करते हैं। तो बहुत बार ये इंसान के टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करता है कि नहीं? जैसे आप लोग रिस्क टेकर हैं, नहीं, सीए कोर्स कर रहे हैं ना, तो रिस्क टेकर ही हुए हैं, आपको भी पता है कितना रिस्क है। सीए के कोर्स में आपको पहले 3 स्टेज क्लियर करने पड़ेंगे, एक लास्ट यहां पे मैंने नोट क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी मिनिमम। डिसीजन लेते समय आपको क्या देखना है कि कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी मिनिमम, पॉइंट नंबर 6 में अंडरलाइन करना है। अल्टीमेटली हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारा कॉस्ट कम हो, और आज के कॉम्पिटिशन के जमाने में जितना आप कॉस्ट मिनिमाइज कर सकेंगे उतना ही आप सर्वाइव कर सकेंगे। पहले तो सर्वाइव करना, बाद में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इज इट राइट? तो बिजनेसमैन भी आजकल क्या करते हैं, पूरी दुनिया में कहां कहां से फंड्स रेज कर सकते हैं, उसमें से सबसे कम कॉस्टली कौन सा है उसको यूज करते हैं। इसलिए मैंने एडीआर जीडीआर का एग्जांपल लिखा था, आपकी बुक में भी मैंने लिख दिया उसको, पॉइंट नंबर 5 में। वहां जाते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, क्योंकि हमें अपना कॉस्ट मिनिमाइज करना, ना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। किंग फिशर एयरलाइन बंद हो गई ना, सुना आपने, क्यों बंद हो गई? बोरिंग बहुत ज्यादा था। जेट एयरवेज बंद हो सकती है या हो जाएगी या कोई और अक्वायर कर लेगा, क्योंकि उनकी बोरिंग लेवल बहुत बढ़ गई है, इनकम से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया उनका, इज इट राइट? हर साल लॉस हो रही है, पिछले 7 साल में 5 बार लॉस हो चुका है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हमने नोट लिखा, कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी मिनिमम, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल फैक्टर्स ऑल्सो। अब एक ये मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया आपकी बुक में, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, यानी जब आप सीए बन जाएंगे, किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप हेड करेंगे, तो ये पैराग्राफ ध्यान में रखना कि पहले तो हमें एक लिस्ट बनानी है कि फंड्स कहां कहां से रेज कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी पिछले पैराग्राफ में बताया कहां कहां से हम रेज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको टास्क है कि आपको फाइनेंस मिक्स डिसाइड करना है। फाइनेंस मिक्स का मतलब रेशियो ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस मिक्स, रेशियो ऑफ डिबेंचर या डेट, डिबेंचर और लोन और बॉन्ड सब डेट में आ गया, ठीक है, यानी जहां हम एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर एक अलग कैटेगरी हो गई, जहां हम एक फिक्स्ड डिविडेंड पे करते हैं, और इक्विटी है जहां पर हमें कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट या कोई फिक्स्ड डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए,
कुछ सवाल जवाब हो जाए। सपोज आप को बिजनेस स्टार्ट करना है, अगले साल आप सीए बन जाएंगे मान लो, और एक बहुत बड़ा ऑफिस स्टार्ट करेंगे, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या करेंगे, कहाँ से फंड्स रेज करेंगे? सपोज आपको ये तीन ऑप्शन मैंने दिया, डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का, तो कहाँ से रेज करेंगे? अगर एक से ज्यादा सोर्स यूज करेंगे तो कितना कितना रेज करेंगे? हाँ बोलो। चलिए तीन स्टूडेंट से पूछूंगा मैं, डेट से पूरा 10 करोड़। सपोज कर दिया तो आप क्या करेंगे, कितना कितना लोगे? एक स्टूडेंट कह रहा है कि हमें कोई डेट देगा ही नहीं सीए बनने के बाद, मान लो दिया तो क्या करोगे? 50% डेट, 50% इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं लोगे, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, एक और स्टूडेंट से पूछते हैं। कमान, अरे बहुत इजी है, 10 करोड़ को आपको डिसाइड करना है कि हम इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर कितना कितना यूज करेंगे, और आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, पूरा 10 इक्विटी भी बोल सकते हैं, पूरा 10 डेट भी बोल सकते हैं। आप सोचो, अगर मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूं कि मुझे डिसीजन लेना है, तो मेरा डिसीजन क्या होगा? इक्विटी 40%, ओके, 4 यहां हो गया, ठीक है, डेट 60, प्रेफरेंस नहीं लेंगे, चलो कोई बात नहीं। आप बोलो, एक और स्टूडेंट, 50% इक्विटी, 50% डेट, प्रेफरेंस वाला कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इस सवाल का कोई सही या कोई गलत जवाब नहीं है, ये तो मैनेजमेंट की चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो 50-50 बोला, इनको रिस्क थोड़ा कम लेना था, जिसने 40-60% बोला उसको रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना है कि नहीं? तो ये आपको दिखाता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, कॉस्ट कितना है, कंट्रोल में कितना डाइल्यूट करना चाहता हूं, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो हमारा एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, फाइनेंसिंग डिसीजन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वहां पर हम इस पे और डिस्कशन करेंगे बाद में। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले हम समझेंगे, इक्विटी का कॉस्ट कितना, डेट का कितना, प्रेफरेंस का कितना, इज इट राइट, रिस्क कितना, उसके बाद मैनेजमेंट की टीम डिसाइड करती है कि हमें इतना इक्विटी रेस करना है, इतना डिबेंचर, इतना लोन, इज इट राइट। वैसे आपकी बातों से लगा आप लोग रिस्क टेकर काफी है, क्योंकि आपने डिबेंचर पे बहुत ज्यादा वेटेज दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरी बात, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक सिंपल सा सवाल, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके पास कौन से दो चॉइसेस हैं? कंपनी की प्रॉफिट जब होती है तो उसके पास दो चॉइसेस रहते हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नॉर्मली हम उनको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो चाहे तो ड्रॉ करे या नहीं करे। कंपनी के पास दो चॉइस ये है कि या तो हम डिविडेंड पे करें या रिटेन करें, ये कंपनी की चॉइस है, कंपलसरी नहीं है कि आप डिविडेंड पे करें, मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं, कि डिविडेंड पे करेंगे ये कंपलसरी नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, वापस ये डिसीजन मेकिंग टास्क है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी, ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग टास्क है। हर साल जब ईयर एंड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है, तो एक बहुत बड़ा जो एजेंडा रहता है उस दिन का, हाउ मच डिविडेंड शुड बी पेड, ओके, और कई घंटे तक वो चर्चा करते हैं। एक डायरेक्टर बोलता है 50% पे करेंगे, एक बोलता नहीं 100%, एक बोलता नहीं 20%, एक बोलता नहीं पे ही नहीं करना है, हमें खुद इतनी रिक्वायरमेंट है अभी क्यों पे करूं, इज इट राइट।
अब इसका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से क्या लेना देना है इस डिसीजन का? इनडायरेक्टली इसका एक इम्पैक्ट है। कैसे? अगर आप रिटेन ज्यादा करेंगे तो आपका रिटेन अर्निंग बढ़ गया, तो आपको फ्रेश लोन लेने की जरूरत कम पड़ेगी, फ्रेश इक्विटी इश्यू करने की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर आपने डिविडेंड ज्यादा पे कर दिया, अगर आपने डिविडेंड ज्यादा पे कर दिया तो क्या होगा बताओ? फिर लोन ज्यादा लेना पड़ेगा, इक्विटी ज्यादा इश्यू करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा डिविजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो अ डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इफ यू यूज मोर रिटेन अर्निंग यू विल रिक्वायर लेस लोन, लेस बोरोइंग, और अगर आप डिविडेंड ज्यादा पे करते हो तो आपको बोरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और फोर्थ क्या है? ये स्टेप्स हैं। और फिफ्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में मैनेजमेंट क्या करेगी? एक बार हमने ये तीन चीजें डिसाइड कर ली तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वी विल गो टू द बैंक और विल मेक एन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रेज द फंड्स। ये हो गया हमारे चार स्टेप्स प्रोक्योरमेंट में। पॉइंट नंबर बी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि द रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। ये एक सिंपल वन लाइन में अगर आपको लिखना हो उसका है रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। फंड्स रेज करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम है उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, किंग फिशर एयरलाइन बंद हो गई, जेट एयरवेज बंद हो सकता है, कुछ स्टील कंपनीज इंडिया में या तो बंद हो रहे हैं या टेक ओवर हो रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत बार बंद करने की जगह क्या करती है? टेक ओवर कर लेती है, या किसी बड़ी कंपनी को बोलती है कि आप इसको टेक ओवर करके इसको बचा लो, क्योंकि बहुत सारे इंप्लॉयज काम करते हैं, वर्कर्स की जॉब चले जाएगी, इसलिए हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट पर्पज वही है कि उसको बचाना है हमें, क्योंकि उन्होंने फंड ढंग से यूज नहीं किया होगा। बिजनेस का चलना और नहीं चलना का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने फंड्स को कैसे यूज किया है। इज इट राइट? सो फंड्स आर प्रोक्योर्ड एट अ कॉस्ट। कोई भी सोर्स मुझे बता दो जिसमें कॉस्ट नहीं लगता हो। ऐसा कोई सोर्स नहीं है। अगर ऐसा कोई सोर्स होगा तो फिर मैं खुद ही सबसे पहले वहां लाइन लगा के खड़ा हो जाऊंगा। क्यों इतनी सुबह सुबह ठंड के मौसम में यहां पर आएंगे? है कि नहीं आएंगे? कोई अगर फ्री में कुछ मिल रहा हो तो फिर कौन मेहनत करे? फ्री में कुछ नहीं मिलता। हर सोर्स की एक कॉस्ट है, और उसको फिर हमें वापस भी करना है इंटरेस्ट या डिविडेंड के साथ, तो उसको प्रॉफिटेबली इंप्लॉय करना है। प्रॉफिटेबली इंप्लॉय करने का मतलब उसकी रिटर्न उसके कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। फंड शुड नॉट बी केप्ट आइडल। इसको अंडरलाइन करना, आइडल फंड्स हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आइडल फंड्स हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कमेंट। तो क्या कमेंट लिखेंगे फिर? एवरी रूपी हैज अ कॉस्ट, एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज अ कॉस्ट। ओके, इवन इफ इट इज ओन्ड मनी देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बोलेंगे नहीं ये तो मेरा पैसा है, मुझे किसी को इंटरेस्ट नहीं देना है, मुझे किसी को डिविडेंड नहीं देना है, इसलिए इसका कॉस्ट जीरो है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमारा खुद का भी अगर पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसकी भी एक कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि वो पैसा मैं बैंक में जाके जमा कर दूं तो मुझे 8-10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, किसी एनबीएफसी के एफडी में डिपॉजिट करूंगा तो 11% भी इंटरेस्ट मिल सकता है, किसी मनी लेंडर को दूंगा तो 12% भी इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अगर मेरा खुद का पैसा भी है तो भी उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बट ऑल्सो फॉर इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। फाइनेंस मैनेजर आप बनोगे कुछ साल बाद, उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, है कि नहीं? जैसे सीए बन जाओगे किसी अच्छी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट
हो सकता है उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको रख ले, बहुत सारी कंपनी रखती है सीए को। फिर आपको कंपनी के मैनेजर बोलेंगे जो सीएफओ होंगे कि जाओ फंड्स रेज करो, आप बैंक के साथ डील करेंगे, फंड्स भी रेज कर लिया, उसके बाद बोलेंगे अब इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, इसको इस ढंग से इन्वेस्ट करो, बिजनेस में यूज करो कि इसकी रिटर्न अब जो हमें इंटरेस्ट पे करना उससे ज्यादा हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको नुकसान होगा, ओके। और जैसा कि हमने देखा है बहुत सारी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है अगर वो फंड्स को ठीक से यूज नहीं करती है तो, ओके। सो अब पॉइंट नंबर थ्री पढ़ना, जो पॉइंट नंबर टू का एक्सप्लेनेशन ही है। ही एनालाइजेस द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ ईच डिसीजन। पूरा सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग है। फंड्स आप रेस करेंगे उसकी एक कॉस्ट है, उसको इन्वेस्ट करेंगे उस पर एक रिटर्न है। तो वे क्या करता है फाइनेंस मैनेजर, पहले कॉस्ट निकाल लिया, रिटर्न एस्टिमेट कर लिया, तब डिसीजन लेगा जब रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा हो। क्योंकि हमारे सिलेबस में आप सीखेंगे अभी अगले कुछ दिनों में महीनों में, फंड्स को हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते जरा बताओ। फंड्स को नॉर्मली कोई बिजनेस में दो जगह पे नॉर्मली इन्वेस्ट होते हैं, और एक तीसरा भी है वो मैं बताऊंगा आपको। पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स में, पहला होता है फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बोथ। आजकल इनटेंजिबल एसेट में भी बहुत खर्चे होते हैं, सॉफ्टवेयर लगता है बिजनेस को चलाने के लिए, क्या है वो इनटेंजिबल एसेट है। या आपने किसी का ब्रांड अक्वायर कर लिया तो आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, कॉपीराइट लेते हैं हम ऑथर से, मान लो आप पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है, तो ऑथर से जब आप उनकी बुक लेते हैं कॉपीराइट देना पड़ता है उनको, वो भी इनटेंजिबल एसेट है। मशीन्स लगती है प्रिंटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट जिसमें एक बहुत बड़ा पैसा लगता है। और दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वर्किंग कैपिटल में। तो फिर आप पूछेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल मींस कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। सिर्फ फिक्स्ड एसेट से बिजनेस नहीं चलता, बोलो क्या लगता है। और मशीन खरीद ली लेकिन कुछ नहीं और, तो मशीन क्या करेगी फिर, रॉ मटेरियल लगेगा ना आपको, लेबर कॉस्ट लगेगा, डे टू डे एक्सपेंसेस लगेंगे, ट्रांसपोर्टर का बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है कि नहीं, पैकेजिंग मटेरियल खरीदना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में कुछ रखना है। और आजकल डेटर्स जो है वो 3 महीने बाद पे करते हैं, तो आपका पैसा भी उधर फंस जाता है 3 महीने के लिए। तो इन सब को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो कि एक अलग चैप्टर है आपके सिलेबस में, सबसे बड़ा चैप्टर वर्किंग कैपिटल, ओके। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाए तो फिर क्या करोगे। मान लो मैंने 10 करोड़ रुपए रेज किया, 5 करोड़ का फिक्स जैसे खरीद लिया, 4.5 करोड़ की वर्किंग कैपिटल में लग गए, 50 लाख अभी भी मेरे पास बचा हुआ है कैश इन हैंड, तो हम क्या करेंगे। तो कुछ कंपनीज क्या करती है उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है, ओके। तो जिसको मैं एक और यहां पे नाम दूंगा एटसेट्रा के पहले, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक एफडी हो गया, बैंक एफडी हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। कुछ कंपनी पैसा आइडल नहीं रखती, ऊपर लिखा है ना आइडल फंड्स हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 50 लाख कैश इन हैंड कोई नहीं रखता, बड़ी से बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख लो, 50 लाख रुपए कैश इन हैंड एस सच आपको जनरली नहीं मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि जानती है इस 50 लाख से मुझे कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो क्या करती है उसको टेम्पररी बैंक एफडी, बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वहां इन्वेस्ट कर देती है, समझ में। तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। एंड पॉइंट नंबर फोर, ही आइडेंटिफाइज द एरियाज वेयर फंड्स रिमेन आइडल एंड व्हाई दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपरली। ये फाइनेंस मैनेजर का काम है कि फंड्स आइडल नहीं रहना चाहिए, और अगर आइडल है तो उसको तुरंत उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने यहां पे पॉइंट नंबर थ्री इसलिए लिखवाया, कभी कभी सरप्लस आ जाता है बिजनेस में, तो उसको हम क्या करेंगे, जब तक वो हम कहीं इन्वेस्ट ना करें फिक्स्ड एसेट या वर्किंग कैपिटल में, तब तक हम उसको किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे।
ताकि कुछ ना कुछ रिटर्न आते रहे आपके पास। अब एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि कंसीडरेशन और रेस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। कंसीडरेशन और रेस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जो मैंने पिछले पेज में भी डिस्कस किया था, जब आप फंड्स रेज करते हो तो आपके सामने तीन क्वेश्चंस आते हैं, रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टास्क है कि हम फंड्स कहां से रेज करें। क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या है, फंड्स कहां से रेज करें, तो हम क्या करेंगे, इनके हम ये तीन क्रिटिकल एस्पेक्ट को कंपेयर करेंगे और उसके बाद फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है। पहला है रिस्क। सबसे रिस्क कम होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई इक्विटी शेयर हैव लोवेस्ट रिस्क आउट ऑफ द थ्री, तो हम बोलेंगे कि एक तो हमें डिविडेंड पे करने की ऑब्लिगेशन नहीं है, रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, और तीसरा हम उनको कोई सिक्योरिटी भी नहीं देते हैं, है कि नहीं। तो रिस्क कम हो गया, ना डिविडेंड देने का झंझट, देना है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, ना प्रिंसिपल रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन, आप चाहो तो उसको पूरी जिंदगी भर रख सकते हो, जब कंपनी लिक्विड होगी उस समय पे करना, उसके पहले पे करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं, और तीसरा आप कोई सिक्योरिटी भी नहीं देते हो। कल कोई इक्विटी शेयर उठ के कोर्ट में नहीं जा सकता और नहीं बोल सकता कि मेरे पैसे दिलवाओ, कोर्ट बोलेगी भाई तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो, तुम मालिक हो, मालिक को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, तो जाओ वापस अपने घर, कोर्ट का टाइम बर्बाद करने मत आओ ना लाए, ठीक है, ऐसा बोल के उसको भगा देगी। प्रेफरेंस शेयर का क्या है हिसाब किताब, इक्विटी से रिस्कियर है लेकिन लोन से कम रिस्की है, इंटरेस्टिंग बात है, इक्विटी से ज्यादा रिस्की है लेकिन लोन से कम रिस्की है। तो ऑफ कोर्स अब आपके मन में सवाल आएगा कि इक्विटी से ज्यादा रिस्की क्यों है, क्योंकि एक फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना, प्रॉफिट हुआ अगर आपका किसी साल तो फिर तो देना ही आपको डिविडेंड। दूसरा कारण है कि रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है ना, आप इंडिया में प्रेफरेंस शेयर को इरिडीमेबल नहीं बना सकते कभी भी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं आप, तो आपको भले आप 20 साल वाला प्रेफरेंस शेयर इशू करो, कभी ना कभी तो 20 साल खत्म होंगे और फिर आपको आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से कैश निकाल कर उसको देना है। जब हम एक साथ बड़ा कैश निकालते हैं बिजनेस से तो एक रिस्क आती है, लिक्विडिटी रिस्क आती है कि नहीं। अभी आपकी जेब में मान लो 500 रुपए, मैंने बोला पूरा 500 मुझे निकाल के अभी के अभी दे दो आप, तो आप दे तो देंगे लेकिन फिर आपको लिक्विडिटी रिस्क आएगी, आप और कुछ काम करना चाहेंगे तो शायद वो उस समय दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा रिस्क ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिबेंचर या लोन फंड से कम रिस्की क्यों है, डिबेंचर और लोन फंड में आपको इंटरेस्ट कंपल्सरली पे करना है चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो। प्रेफरेंस शेयर के केस में आप प्रेफरेंस डिविडेंड तभी पे करते जब आपको प्रॉफिट हो, लॉस हुआ उस साल मत पे करो। दूसरा है कि डिबेंचर और लोन फंड यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं, यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं, मतलब कि कंपनी का एसेट हम देते हैं एज अ सिक्योरिटी, हमने अगर पे नहीं किया तो एसेट वो सेल कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को हम कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं, पता है ना, प्रेफरेंस शेयर को हम सिक्योरिटी। लोन फंड में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लोन डिबेंचर बॉन्ड्स में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। जितनी भी आपने अगर मान लो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये कंपनी बंद हो रही है, ये कंपनी टेक ओवर हो गई, तो उसका एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण ये होगा कि उस कंपनी के लोन बहुत थे, उस कंपनी के लोन बहुत थे, लोन पे नहीं कर पा रहे थे, लोन पे नहीं कर पा रहे थे तो लेंडर्स ने एसेट्स बेच दिए, इसी तरह क्रेडिटर्स ने एसेट बेच दिए। तो लोन के रिस्की होने का तीन इंपॉर्टेंट कारण बताओ। वन, इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑब्लिगेटरी इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हुआ तो भी इंटरेस्ट पे करना है। दूसरा, आपको रिडम्पशन ऑब्लिगेशन होता है, रिडम्पशन ऑब्लिगेशन,
साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, ओके, आपको रिडीम करना ही है। उस समय आपके पास कैश हो या ना हो, आपको रिडीम करना ही है। और तीसरा, हम यूजुअली इनको सिक्योरिटी के रूप में अपने एसेट्स देते हैं, कोलैटरल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल। ठीक है, कोलैटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरवी। कुछ अपने एसेट को उनके पास रखते हैं या उनके नाम पे हम उसको चार्ज करवाते हैं। चार्ज वर्ड सुना आपने, मॉर्गेज। हाँ, मॉर्गेज तो वो कर लेते हैं, कल को हमने पे नहीं किया तो एसेट बिक जाएगा अपना। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क। अभी एक कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैंने कई बार पूछा है ये सवाल कि इक्विटी प्रेफरेंस और लोन में सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है। तो स्टूडेंट लोन बोलता है कई बार, कुछ लोग प्रेफरेंस बोलते हैं, लेकिन सही जवाब है इक्विटी। इक्विटी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर कारण जानना जरूरी है कि क्यों सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये बाकी जो दो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं राइट साइड में स्क्रीन पे, प्रेफरेंस और लोन, इनमें हम एक फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स डिविडेंड पे करते हैं। इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट लगभग कितना चल रहा है डिबेंचर पे या बैंक लोन पे, 9, 10, 12%। ठीक है, 14%, 14, बहुत अच्छी कंपनी रही तो 8% इंटरेस्ट पे करती है। प्रेफरेंस का भी लगभग 11, 12, 13, 14% इंटरेस्ट चल रहा है अभी। इक्विटी में कोई फिक्स डिविडेंड या फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता। तो एक स्टूडेंट ने कहा, हम अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे ही नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इज इट राइट कि हम इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड पे ही ना करें? कोई बात नहीं, अभी आप पे नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आपकी कंपनी का एक शेयर होल्डर है, यानी आपकी प्रॉफिट का भी शेयर होल्डर है, वो आपकी एसेट का भी वो शेयर होल्डर है। तो कंपनी मान लो प्रॉफिट 100 करोड़ अर्न करके अपने पास ही रख ली, और इक्विटी शेयर होल्डर जो दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, उसके पास 40% इक्विटी शेयर है, वो उसमें उसका 40% हिस्सा है, आज नहीं तो कल जब भी कंपनी एसेट या डिविडेंड पे करेगी उसे भी उसमें शेयर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, बुक्स में नहीं लिखी रहती है, इसमें भी शायद नहीं लिखी होगी, कि अगर आप इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं देंगे तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा। अगर मैं बोलूं आपको, आप इक्विटी शोल्डर, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि फिर मैं डिबेंचर में इन्वेस्ट करूंगा ना। सीधी बात है, आपको अगर इक्विटी शेयरहोल्डर को अपनी कंपनी में लाना है तो आप उसको उतना रिटर्न दो कि वो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर या इंटरेस्ट ऑन लोन से ज्यादा हो, अदरवाइज वो वहां इन्वेस्ट करेगा वो। इज इट राइट? तो ये प्रैक्टिकली सोचना आपको कि अगर मैंने इक्विटी शोल्डर को रिटर्न बाकी दो के मुकाबले ज्यादा नहीं दिया तो वो क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। फ्यूचर में आपको फंड्स की जरूरत पड़ सकती है, दोबारा जब आप इश्यू करेंगे तो इक्विटी शोल्डर कोई नहीं आएगा आपके पास, बोलेगा इस कंपनी ने तो हमें कोई रिटर्न दिया ही नहीं है। इज इट राइट? आप खुद ही सोचो कि आपको कल को मान लो एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो आप क्या देखते हैं कि इसने पुराने शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, 3 सालों में। आपने देखा कुछ नहीं दिया है, आप बोलेंगे रहने दो यार। ठीक है, इसलिए इक्विटी मोस्ट एक्सपेंसिव है। प्रेफरेंस शेयर वापस इन दोनों के बीच का है, इक्विटी से कम एक्सपेंसिव है लेकिन डिबेंचर या लोन से ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब आपको उसका कारण भी जानना होगा। डिबेंचर सबसे कम एक्सपेंसिव होता है या लोन सबसे कम एक्सपेंसिव होता है, पहले मैं वो बता दूं फिर प्रेफरेंस पे आऊंगा। क्यों कम होता है इंटरेस्ट? नॉर्मली आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट में इंटरेस्ट रेट कम होता है। कारण, क्योंकि उनको एक अश्योरेंस है कि इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट हो या ना हो। प्रेफरेंस डिविडेंड का अश्योरेंस नहीं है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है इस साल लॉस हो जाए तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो किसका रिस्क रिलेटिवली ज्यादा है? प्रेफरेंस शेयर का। इसलिए अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड का थोड़ा रेट ज्यादा नहीं रखेंगे, फिर वही बात, वो बोलेगा कि मैं डिबेंचर में इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप उसको भी 8 दे रहे हैं, मुझे भी 8 दे रहे हैं,
उसको 8 मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि पहले प्रॉफिट से इंटरेस्ट पे होता है फिर डिविडेंड पे होता है, तो मैं डिबेंचर में इन्वेस्ट करूंगा तो कोई तो प्रेफरेंस शेयर में करेगा ही नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर को जनरली आपको कुछ 1-3% बढ़ा के देना है। दूसरा कारण इंडिया में टैक्सेशन है। आपने तो टैक्स पढ़ा इसलिए मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड यू कैन क्लेम इट एज अ डिडक्शन वाइल कैलकुलेटिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स, ठीक है। तो इससे आपका कॉस्ट और घट गया, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से आपकी टैक्स सेविंग होती है, इंटरेस्ट पे करने से आपकी टैक्स सेविंग होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे करने पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। डिविडेंड पे किया तो आपको डिडक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। प्रेफरेंस डिविडेंड पे डिडक्शन नहीं है। एक और बुरी बात, इंडिया में प्रेफरेंस डिविडेंड पे आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना होता है, डबल नुकसान हो गया प्रेफरेंस शेयर इशू करने से हमें। एक तो डिडक्शन नहीं मिला, थोड़ा दर्द हुआ, ऊपर से डिविडेंड पे किया तो उस पर टैक्स भरना पड़ा और दर्द हुआ। इज इट राइट? अभी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा ये पॉइंट थोड़ा और समझाता हूं, देखना जरा। अरे ये चीज समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अमाउंट मुझे रेज करना है मान लो 100 करोड़ रुपए, अमाउंट भी बराबर है, रेट कुछ देर के लिए मान लो कि दोनों में रेट 8% है। वैसे प्रेफरेंस पे नॉर्मली ज्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते दोनों में 8 है। आप बोलेंगे दोनों तो बराबर कॉस्टली है। नहीं, अब आप देखना, टैक्स सेविंग, 8 रुपए इंटरेस्ट पे करेंगे, 30% टैक्स रेट है, तो टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30% कितना हुआ? इस पे आपको कुछ टैक्स सेविंग नहीं होगी। प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट पे मिलता है। 8 रुपए आपने डेबिट किया पीएनएल अकाउंट को, तो आपकी प्रॉफिट घट गई, प्रॉफिट घट गई तो टैक्स लायबिलिटी भी घट जाएगी, कम प्रॉफिट कम टैक्स। 8 रुपीज की वजह से आपका 30% ऑफ 8 टैक्स सेविंग होती है। कितना हो बताओ? 30% ऑफ 8 2.4 आपकी सेविंग हुई। 8 रुपए इंटरेस्ट हमने डेबिट किया पीएनएल अकाउंट में, तो इनकम घट गई ना, इनकम घट गई तो टैक्स भी घटेगा, तो 2.40 रुपए से आपकी टैक्स सेविंग हो गई, ठीक है। तो मेरा नेट कॉस्ट कितना हुआ अभी तक? 8 रुपए यहां, और इसको जरा घटा के बताओ, 8 में से 2.40 घटाया तो कितना बचा? 5.60। लेकिन अभी तो बात खत्म नहीं हुई है। इंडिया में एक और टैक्स है, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड पे करते वक्त जितना डिविडेंड पे करोगे उस पर टैक्स भी लगता है। थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम 20% अज्यूम करते हैं, ओके? तो 20% ऑफ 8 कितना हुआ? 1.60। यहां पे नहीं लगेगा आपको। फाइनली व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? यहां पे 100 रुपए अगर मैं रेस करता हूं तो 9.60 मुझे कॉस्ट लग रहा है, यहां पर मुझे 5.60 लग रहा है। तो इस एग्जांपल में आपको 4 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है 100 करोड़ रुपए के फंड्स पे, ठीक है ना। इसलिए इंडिया में लोन और डिबेंचर बहुत पॉपुलर है, प्रेफरेंस शेयर पॉपुलर नहीं है। और वो आपने क्लास में भी देखा, 3 स्टूडेंट से मैंने सवाल पूछा कि कितना फंड्स रेस करोगे, एक ने भी प्रेफरेंस शेयर नहीं बोला। वैसे जवाब सही था, क्यों अननेसेसरी इतना कॉस्ट इनकर करे ना, 9.60 पे करने से अच्छा 5.60 पे करो। तो आप लोग तो बहुत समझदार निकले, उम्मीद से भी ज्यादा, है कि नहीं? पहले से आपको पता था कि ये होने वाला है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर इज कॉस्टलियर देन डिबेंचर।
कॉस्टलियर देन डिबेंचर बट चीपर देन इक्विटी। इक्विटी को अगर 8% डिविडेंड देंगे तो चिल्लाएगा आपके ऊपर मन ही मन, मतलब अगर 8% डिविडेंड देना था तो पहले बता देते मैं डिबेंचर में इन्वेस्ट करता, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करता, क्यों रिस्क ली मैंने, इसलिए उसको आप ज्यादा देंगे, आप उसको 20% डिविडेंड देंगे, उसको 30% देंगे तो उसका कॉस्ट और ज्यादा हो जाता है, इसलिए इक्विटी इज कॉस्टलियर। समझ में आ गया ये बात, ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको रीजन भी लिखने हैं, व्हाई इक्विटी इज कॉस्टलीएस्ट, व्हाई डिबेंचर इज चीपेस्ट। अब तीसरा जो है डिसीजन मेकिंग इशू, कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स गिविंग वोटिंग राइट्स टू द इन्वेस्टर, लिख लो यहां पे कंट्रोल के नीचे या राइट साइड में थोड़ी जगह है, शेयरिंग ऑफ वोटिंग पावर। गिविंग डिसीजन मेकिंग राइट्स टू अदर्स इज कंट्रोल। अब ये चीज तो आपने लॉ, अगर आपने पढ़ा है लॉ वाला सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा, ग्रुप टू में पहुंच गए तो है कि नहीं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं। दो टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं, एक तो होता है वोटिंग राइट और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। लेकिन वोटिंग राइट तो है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले को थोड़ा कम वोटिंग राइट रहती है लेकिन डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ता है उनको, वोटिंग राइट वो सेक्रीफाइस करते कंपनी बदले में उनको डिविडेंड, लेकिन वोटिंग राइट रहता है उनके पास। और इंडिया में जो हमने अभी तक का एक्सपीरियंस किया है 99% कंपनी वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करती है, बताया क्या आपके सर ने कितना परसेंट, लगभग 99% कंपनी जो इंडिया में है उन्होंने वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए हैं, कोई ऐसे गिने चुने कुछ हंड्रेड्स में भी नहीं है मेरे ख्याल से जिन्होंने नॉन वोटिंग या डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए हैं। ठीक है, 13 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है और कुछ गिने चुने कंपनी ने वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडिया में वोटिंग राइट वाले शेयर इशू होते हैं, वर्ल्ड ओवर ऑल्सो सेम मोस्टली, क्योंकि कंट्रोल कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। कारण क्या है, कंट्रोल कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है ना, कंट्रोल रहा तो उसका मजा ही कुछ और है। तो जैसे आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं आपका स्टेक डाइल्यूट हो जाता है, मतलब आप वोटिंग राइट किसी और को दे रहे हैं, किसी और को वोटिंग राइट देने से क्या है, वो आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग अगर आपके हाथ से निकल गई तो फिर आप बिजनेस जिस तरह से आप चलाना चाहते नहीं चला पाएंगे। आप बोलेंगे मैं प्रमोटर हूं, मैंने इतने साल मेहनत की, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली भाई जिसके पास कंट्रोल है वो डिसीजन लेगा, इसलिए कंपनी इक्विटी कम इश्यू करती है इंडिया में, पता है आपको, बहुत कम कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, इतनी कंपनी लिस्टेड इंडिया में 5000 कितनी लिस्टेड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिनकी ट्रेडिंग होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, 5000 रफ नंबर, 100-200 इधर उधर। और कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, 13 लाख कंपनीज। इमेजिन करो कि हम कंट्रोल बहुत कम डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में आप जाओगे मिनिमम 25% स्टेक आपको पब्लिक को देना रहता है, कितना मिनिमम 25, मैनेजमेंट वो भी नहीं देना चाहती इंडिया में, प्रेफरेंस शेयर में कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है, इफ यू डोंट पे डिविडेंड फॉर 2 consecutive years, 2 साल लगातार आपने डिविडेंड नहीं पे किया तो फिर उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, बट वो बहुत रेयर है, लगातार 2 साल डिविडेंड नहीं पे करेंगे ये बहुत रेयर है। ठीक है, ऑन दैट टू इट शुड बी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 2 condition, एक तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए और दूसरा 2 साल लगातार डिविडेंड नहीं पे किया तो उनको वोटिंग राइट मिलता है, इसलिए ये भी न के बराबर ही है। लोन फंड या डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट हम नहीं देते हैं, लेकिन वहां पर भी एक एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखा है वहां पे, जब आप लोन लेते हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लोन लेते हो
जैसे मान लो आपने एलआईसी से लोन लिया, इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसे एलआईसी या आईडीबीआई इनसे आपने लोन लिया, तो ये क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट में से एक दो लोगों को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करवा देते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनी यानी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर। तो 10 बोर्ड मेंबर में से दो हो सकता है एलआईसी का डायरेक्टर, एलआईसी के पर्सन वहां पे बैठा दिया उन्होंने। अब जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एलआईसी का बंदा बैठेगा, क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस होगी या नहीं होगी? होगी ना। जैसे ये 8 डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हमें 50% डिविडेंड पे करना है, ये दो बोलेंगे नहीं 50% नहीं पे करना है, 10% पे करना, जब तक हमारा लोन पूरा पे ना हो जाए तब तक आप 50% डिविडेंड पे नहीं कर सकते। फिर ये बाकी 8 डायरेक्टर बोलेंगे हमें इस कंपनी को अक्वायर करना है, ये दो बोलेंगे नहीं 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 करना है, रिस्क बढ़ रहा है कंपनी का, आप इसको अक्वायर करेंगे सारा पैसा उधर लगा देंगे, कल को अगर वो कंपनी फेल हो गई तो हमारा नुकसान। ओके, तो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे तो जितने भी ये नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं ये बहुत ही इंटरफेयरिंग होते हैं, बहुत ही इंटरफेयरिंग होते हैं, ठीक है। और वो उनका भी पर्पस है कि हमें अपने इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करो, कंपनी कोई भी ऐसा डिसीजन न ले जिससे एलआईसी आईडीबीआई जो जिन्होंने लोन दे रखा है उनको नुकसान हो, ठीक है। और कंपनी के मैनेजमेंट सोचती है कौन दो नालायक बैठ गए हमारे साथ, हम कुछ भी करना चाहते हैं, ये बीच में आके ना 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 कर देते हैं, तो इंटरफेरेंस होता है। इसलिए इंडिया में आप एक और चीज नोट करोगे, कंपनी जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो नहीं करती है, करती है बट कोशिश कम करती है कि भाई इनके साथ मत माथा लगाओ, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इंटरफेयर बाद में बहुत करते हैं। इज इट राइट? इतना इंटरफेयर करते हैं कि कभी कभी मारपीट की भी नौबत आ जाती है, ठीक है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।